भैया नमस्कार, आपका आवाज। नमस्कार भैया, नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ऋतिक वर्मा है। एक्चुअली मैंने यूट्यूब वगैरह पे काम किया है, पहले शॉर्ट मूवीज करी हैं, लेकिन भोजपुरी में मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ, वो भी संग्राम भैया के साथ। तो इससे बस स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कोशिश बहुत रहेगी। फिल्म का नाम है इश्क नचा है बीच बाजार, जो संग्राम भैया के साथ शूट हो रही है, और मेन कलाकार उसमें संग्राम जी हैं और प्रतिष्ठा ठाकुर हैं, बाकी मैं हीरो के दोस्त का रोल कर रहा हूँ उसमें। और ये मेरी पहली फिल्म है भोजपुरी की, और मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूँ, और ऊपर वाले की दुआ रही तो आगे काम करते रहेंगे भोजपुरी में। एज अ एक्टर तो अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर एज अ पर्सन बात करें तो उससे बहुत अच्छे हैं, मतलब वो सबको सेम ट्रीट करते हैं, कि स्पॉट बॉय को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और हमारे साथ भी बहुत अच्छे उनके संबंध हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं वो। आपके सामने कभी वो दबंगई दिखाई कि नहीं? क्योंकि दबंग स्टार तो उनको इसलिए लोग कहते हैं, एक इज्जत भी होती है तो इज्जत देते हैं उनको, और दबंग स्टार है भी, लेकिन किसी को दबंगई दिखाते नहीं है बेसिकली, कि यहाँ फालतू पे किसी पे चिढ़ जाए या किसी को कुछ बोले, तो ऐसी दबंगई कहीं नहीं दिखाते, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। लेकिन दोस्तों के सपोर्ट में दबंगई दिखा देते हैं? हाँ, दोस्तों के सपोर्ट में जरूर दिखाते हैं, और दिखाना भी चाहिए, अगर जहाँ पे जरूरत है वहाँ दिखाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े खड़े रहते हैं, तो थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ता है जी। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म है, तो प्यार दीजिएगा, बाकी संग्राम भैया की ये चौथी फिल्म है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सकते हैं दीजिए, और आगे कोशिश करता हूँ कि आगे ऐसे इंटरटेन करता रहूँगा, और आगे भी आप हमें देखेंगे संग्राम भैया के साथ और भी जगह पर और भी चीज़ों में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।